2024 यामाहा R15 वर्जन 4 एंड R15 M, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइसिंग है, कौन कौन से कलर आते हैं, कैसा एक्सपीरियंस है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारे कलर्स खड़े, ऑलमोस्ट सारे कलर्स हैं यहाँ पर शोरूम के अंदर। मैं आपको एक एक कलर दिखाऊंगा। शुरुआत करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो की। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ R15 M, जो एक प्योर बीस्ट है लिटरली, एंड लोडेड विद फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी। काफी बढ़िया लुक आता है। कलर जो है अभी भी सेम आता है, यहाँ पर सिल्वर कलर के अंदर बाइक आती है। प्राइस तो ऑलमोस्ट 2,40,000 रुपये हो चुका है इस बाइक का, अगर हम बात करें जयपुर की। यहाँ पर फिर आती है यहाँ पर R15 वर्जन 4 ब्लैक कलर के अंदर, डार्क एडिशन, डार्क नाइट भी कहते हैं, गोल्डन रिम्स के साथ आती है। एंड कुछ इस प्रकार जो है आपको लुक देखने को मिलता है इस बाइक का, बहुत ही प्यारा। मैट कलर के अंदर बाइक्स ना बहुत हटके दिखती हैं, बहुत डिफरेंट दिखती है। सो मैट ब्लैक के अंदर जो इस बाइक का लुक आता है बहुत अल्टीमेट और बहुत डिफरेंट आता है। नेक्स्ट यहाँ पर कलर मैं आपको दिखाता हूँ व्हाइट कलर। कुछ इस प्रकार से आपको व्हाइट कलर के अंदर बाइक देखने को मिलती है। डुकाटी का फील देती है ये बाइक। मैं पर्सनल आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे डुकाटी का काफ़ी फील देती है ये बाइक। इसका जो कलर है व्हाइट कलर बहुत अच्छा है, फ्लेक्स हैं इस कलर के ऊपर, तो ये बहुत बढ़िया दिखता है। बस ये रिम्स जो हैं ये ब्लैक हो जाएँ तो अल्टीमेट लुक आएगा, या फिर प्योर रेड हो जाए। ब्रिक रेड है वैसे ये, बट अगर ये प्योर रेड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एंड ओवरऑल कुछ इस प्रकार से लुक देखने को मिलता है। एंड अगेन यहाँ पर ब्लैक कलर अंदर बाइक खड़ी है। अब यहाँ बात कर लेते हैं रेड कलर के बारे में। तो रेड कलर के अंदर बाइक आती है, सबसे सस्ता कलर है R15 वर्जन 4 का, 2,23,000 रुपये का, एंड सबसे इकोनॉमिकल वेरिएंट आता है। बाकी यहाँ पर स्टार्ट होती है प्राइस 2,23,000 रुपये से और जाती है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट R15 M 2,40,000 रुपये तक। अब बाइक के अंदर क्या क्या आता है अब हम बात कर लेते हैं। फ्यूल टैंक आता है 11 लीटर का, जो फ्रंट व्हील आता है आपको 17 इंच का देखने को मिलता है। MRF के टायर देखने को मिलते हैं ट्यूबलेस वाले, 282 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, बाइब्रिक कैलिपर देखने को मिलते हैं, डुअल चैनल एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, अपसाइड डाउन सस्पेंशन सिस्टम आते हैं, कंप्लीट यहाँ पर LED हेडलाइट क्लस्टर आता है सारी बाइक्स में, यहाँ पर सेम है विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प। R15 M की बैजिंग आती है, R15 की बैजिंग आती है। यहाँ पर कोई बैजिंग फ्रंट के अंदर आती नहीं है, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको बैजिंग देखने को मिलती है R15 की। साथ में बात कर लेते हैं यहाँ पर 155 cc का इंजन आता है, 18 PS ऑफ पावर आउटपुट देता है, 14 PS न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क देता है, आराम से 40 km/L का बाइक माइलेज देती है, टॉप स्पीड देती है 140 km/h से भी ज़्यादा की, स्प्लिट सीट आती है, स्पेसिंग राइडर की बहुत बढ़िया है, पिलियन की स्पेसिंग ठीक ठाक है। वैसे ये जो बाइक्स है सिंगल सीटर चलाने में ही ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब आप अकेले अगर बाइक चला रहे हो तो आपको मज़ा ज़्यादा आएगा। पीछे का डिस्क ब्रेक 220 mm का आता है, साइड एग्जॉस्ट आता है सारी बाइक्स में। फ़र्क जो है R15 वर्जन 4 और R15 M के अंदर इन वेरिएंट्स के अंदर, वो है क्विक शिफ्टर का। सबसे पहली बात करें क्विक शिफ्टर, ये होता है कि आप बिना क्लच दबाए बिना रेस कम करे गियर शिफ्ट अप कर सकते हो। सिंगल साइड का क्विक शिफ्टर है, बाई डायरेक्शनल नहीं है, सिर्फ आप गियर शिफ्ट अप कर सकते हो। गियर डाउन करने के लिए आपको क्लच दबा के रेस छोड़ के डाउन करना पड़ेगा, जैसे नॉर्मली करते हैं गियर डाउन। बाकी यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी अच्छा एक रेसिंग इंस्पायर्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है R15 M के अंदर। बाकी में सिंपल आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। एंड साथ में वैसे राइडिंग मोड्स तो सब में ही आते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल सब में आता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सारी बाइक्स में आती है। यहाँ पर अगर हम बात करें यामाहा का जो ब्लूटूथ कनेक्टिंग ऐप है, यहाँ पर आप देख सकते हो यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट ऐप जो आता है, इसके थ्रू जो है आप फ़ोन की हेल्प से जो है बाइक के साथ कनेक्ट कर सकते हो थ्रू ब्लूटूथ। यहाँ पर ओवरऑल बबल वाइजर देखने को मिलता है बहुत अच्छे लुक के साथ। कुछ इस प्रकार से बाइक आती है। R15 जानी जाती है अपने अच्छे प्राइस के लिए। यहाँ पर सर्विस कॉस्ट 2,250 रुपये में आराम से बाइक सर्विस हो जाती है। यहाँ पर बाइक की जो टॉप स्पीड है बहुत अल्टीमेट आपको देखने को मिलती है, माइलेज बहुत अच्छा है। सो पॉकेट फ्रेंडली बाइक है, बजट सेगमेंट वाली बाइक है। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, अपने लिए एक अच्छी बाइक ढूंढ रहे हैं फेयर सेगमेंट में, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर रेड कलर भी आपको दिखाता हूँ। रेड कलर इसलिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है बिकॉज उसका प्राइस बहुत कम है, 2,23,000 रुपये सबसे सस्ता कलर है R15 वर्जन 4 के अंदर। बाकी फीचर्स सारे सेम आते हैं। R15 M जो है वो एक अलग सीरीज आ जाती है बिकॉज उसके अंदर जो है आपको जो है R1 वाली ग्राफिक्स देखने को मिलती है। सो बाकी आप देख सकते हो कितनी प्यारे लगती हैं बाइक्स दूर से भी। कुछ इस प्रकार से वाइट कलर इज वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स इन R15 वर्जन 4। ब्लू भी अच्छा लगता है एंड R15 M के अंदर तो ये ही कलर फेवरेट बिकॉज R1 से इंस्पायर्ड है ये कलर, जो रियल R1 है उससे इंस्पायर्ड है। R1 M की अगर मैं बात करूँ, बाकी नंबर प्लेट सेक्शन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फ्रंट के अंदर आती है। एंड प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है 2024 में। एंड आप ले सकते हैं बाइक, लेना चाहें
व्हाइट के अंदर डिफरेंट इसलिए लगती है बिकॉज डुकाटी वाला फील देती है बाइक ऑल टुगेदर मुझे। बाकी आपको कैसी लगती है R15 वर्जन 4 R15 M कमेंट सेक्शन में बताएगा, वीडियो चलिए लाइक करेगा शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं लिख कर आए थॉट्स कमेंट्स में कमेंट, मिलते हैं आपसे वीडियो में, थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, लर्न बी हैप्पी एंड वाइट सेफ, बाय बाय।